शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा ने आकर हमें पवित्र बनने का संपूर्ण ज्ञान दिया है और प्योरिटी की पर्सनालिटी ही सबसे बड़ी पर्सनालिटी है। संसार में भी जो बहुत पवित्र हुए उनका ही बहुत ज्यादा मान हुआ। शिवाजी की पवित्रता के कारण उनको बहुत बड़ा चरित्रवान माना गया। कोई साधु संत भी बहुत अच्छे पवित्र हुए। संत ज्ञानेश्वर बहुत पवित्र हुए, उनकी पवित्रता का महत्व हो गया। साधु संत कोई बड़े सन्यासी गुरु जो बहुत पवित्र हुए, उन्होंने संसार को बहुत कुछ दिया। वो शिष्य बनाने के चक्र में नहीं फंसे, लेकिन संसार को देने का उनका श्रेष्ठ संकल्प रहा। हम भी देखते हैं सेवाओं में किसी विशेष बड़ी पर्सनालिटी को हम बुलाते हैं तो उसे बहुत लोग आ जाते हैं, नाम होता है, पेपर्स में आता है, पर्सनालिटी की ओर सब आकर्षित होते हैं। हमारी पर्सनालिटी है प्योरिटी। हम सब भाई बहनों की प्योरिटी की ओर सारा संसार आकर्षित होता है। हमारी प्योरिटी हमारे ललाट से चमकती है, हमारे बोल से चमकती है। और जो कार्य हम भिन्न भिन्न साधनों के द्वारा करते हैं, सेवा का तन मन धन की एनर्जी लगाकर करते हैं, समय देते हैं, उससे कई गुना ज्यादा कार्य हमारी प्योरिटी की पर्सनालिटी करेगी या आकर्षित करेगी। सभी देवकुल की आत्माओं को, सभी धर्मों की अच्छी आत्माओं को ये हमारी प्योरिटी बहुत ज्यादा आकर्षित करेगी। तो हम ध्यान दें, हमारे अंदर पवित्रता का बल बढ़ता चला जा रहा हो। और ये बल है जब हम कर्मेंद्रिय जीत बन जाते हैं, जब हम व्यर्थ संकल्पों से मुक्त हो जाते हैं, जब हम साधारण संकल्पों से भी परे रहने लगते हैं, जब हम श्रेष्ठ स्वमान में स्थित हो जाते हैं, जब एक के सिवाय हमारा आकर्षण और कहीं भी नहीं रह जाता है, तो हम ध्यान देंगे अपनी इस महान पर्सनालिटी की ओर, प्योरिटी। पहले कर्म से, फिर बोल से भी, संस्कारों से भी, व्यवहार से भी और संकल्पों से भी धारण करनी है। बहुत बड़ा सब्जेक्ट है प्योरिटी, इसमें कोई भी निराश बिल्कुल ना हो। स्वप्नों तक भी हमें पवित्र बनना है, हमारे स्वप्न भी सतोप्रधान हो जाएं, हम व्यर्थ स्वप्नों से भी मुक्त हो जाएं, हमारी शक्तियां कहीं भी नष्ट ना हो। केवल साधनाएं करते चले। मैं इस देह में मेहमान हूँ, ये देह तो प्रभु की अमानत है, उसने मुझे सेवा अर्थ दी है, ये कर्मेंद्रियां भी मेरे कंट्रोल में हैं, मैं आत्मा इनकी मालिक हूँ, मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ, स्वयं की राजा हूँ। इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करते चलेंगे तो कर्मेंद्रियों के सभी रसों से भी हम मुक्त होते चलें। सभी कर्मेंद्रियों में चाहे वो काम की वासना हो, चाहे क्रोध की हो, चाहे नैनों से क्रिमिनल आई की हो, चाहे कानों से बुरे वचन सुनने की हो, उससे हम मुक्त होते चलें, तो प्योरिटी का बहुत बड़ा बल हमारे अंदर भरता चलेगा। अगर ब्रह्मचर्य पालन करने के बाद हमने अपने चित्त को शांत और निर्मल न किया, हम श्रेष्ठ स्वमान में स्थित न रहे, तो हमारी प्योरिटी तो रहती है, उसका संसार को बल भी मिलता है, लेकिन पवित्रता का महान बल हमसे दूर रहता है। जबकि यही बल सबसे बड़ा शस्त्र है, इसी के द्वारा प्रकृति भी पावन बनती है और इसी के द्वारा हीरो एक्टर्स विश्व की स्टेज पर प्रख्यात होंगे। तो आइए आज सारा दिन ये देह बाबा की अमानत है, मुझे बाबा से मिली है, मैं तो इसमें गेस्ट हूँ, बस मैं आत्मा इसमें आई हूँ,
और मुझे तो अपना कार्य पूर्ण करके इसे छोड़कर वापिस चले जाना है। ये अभ्यास आज सारा दिन बहुत अच्छी तरह करेंगे। एक्सरीरीपन घंटे में आप 3-4 बार भी कर लें, जिसको बहुत अच्छा योगी बनना हो इसे कहते हैं बहुत अभ्यास करना। ऐसे नहीं सवेरे की यार भूल गए फिर से हमको याद आया, तो इस अभ्यास की आज हम धुन लगाएंगे और साथ में स्वमान भी लेंगे, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। तो आप सबको बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति।